मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कर्क राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। कर्क राशि के भाग्य में जुलाई महीना 2024 कैसा रहेगा, नौकरी व्यवसाय में कैसा रहेगा, पारिवारिक सामंजस्य कैसा रहेगा और क्या लाभ क्या हानि होगा, पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे कर्क राशि के लोग तो आप जान पाएंगे कि 2024 जुलाई महीने से हमारे राशि में ग्रहों का गोचर किस प्रकार हो रहा है, किस तरह आपका भाग्य आगे चमकेगा, यह आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। वर्षारंभ के बाद 1 मई से गुरु गोचर होकर लाभ स्थान में 11वें भाव का हो जाएगा और फलतः मध्यम गति से चल रहे अथवा सुस्त पड़ गए आपके सभी कार्य गति से आगे बढ़ने लग जाएंगे। जिस कार्य में रुकावटें आ रही थी वह रुकावटें दूर होगी, आपके कार्य में तेजी आएगी। पद प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय में उन्नति होगी। शत्रु एवं विरोधी परास्त हो जाएंगे या आपसे समझौता कर लेंगे। खुशी की बात यह है कि विवाह, पुत्र जन्म आदि मांगलिक कार्य के अवसर भी आएंगे और नौकरी में पदोन्नति भी होगी, ऐसा संभावना बन रहा है। हाथ में लिए समस्त कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे, ऐसा संकेत कर्क राशि के लोगों के लिए मिल रहा है। राजकीय तथा न्यायालय संबंधी कार्यों में फैसला आपके पक्ष में आएगा। अच्छे काम करने की प्रवृत्ति मन में पैदा होगी, मन शांत रहेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि लगेगी। अष्टम भाव में संचरण करता हुआ शनि आपके ऊपर शनि की दया की स्थिति बनाए हुए है, आपका ध्येया चल रहा है, अतः शनि अपना दुष्प्रभाव भी दिखाता रहेगा। यह शनि आपके पारिवारिक जीवन में लड़ाई झगड़ा कलह की स्थिति ला सकते हैं, बुरी संगति भी आपके ऊपर प्रभाव डाल सकती है। प्रपंचता से काम बिगड़ सकता है, इसलिए आप सावधान रहें। कर्क राशि के लोग प्रपंच ना करें, प्रपंच ना सुनें, अतः लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना आपके हितकर में होगा। धन की हानि कराएगा तथा स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव
डालता रहेगा। राजकीय एवं न्यायालय संबंधी कार्यों में सफलता संदिग्ध रहेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कुछ खराब रह सकता है। नवम भाव का राहु चमत्कारिक तरीके से कोई न कोई काम बनाता रहेगा, जो अस्थाई लाभ में भी बदलाव कर सकते हैं। तीसरे भाव में केतु भाग्य कारक हैं। केतु आपके जीवन में, आपके भाग्य में खुशियां ला सकते हैं, आपकी उन्नति करा सकते हैं और आपको कार्य की गति भी दे सकते हैं। शनि का शांति का उपाय अवश्य करें। प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष में स्थित शनि भावना को तिल तेल का दीपक जलावें तथा हनुमान जी की यथासंभव पूजा आराधना करते रहने से, दर्शन करते रहने से आपके जीवन में आने वाली जो कठिनाई है वह दूर हो जाएगी। आपके घर परिवार में उन्नति होगी। आपके रुके अधूरे अटके जो कार्य चल रहे थे वह भी पूर्ण होगा और घर परिवार में सुख और शांति आएगी। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार भी होगा। आपके परिवार में आपका सम्मान होगा। आप अच्छा कुछ करेंगे जिससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी। जय सियाराम, जय माता की।